हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हो? ये देख लीजिए, मैंने उड़द की दाल भिगोई थी, मिक्सी में डाल के पीस लेती हूँ। इसका बनाऊंगी मैं चीला, और चीला बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। उड़द की दाल का बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देख लीजिए, मैंने पीस लिए हैं, मैंने भिगोया था रात में ही, और कुछ इसी तरीके से इसका पेस्ट बना लिया है। इसमें मैंने डाला गाजर, शिमला, प्याज और हरी मिर्ची, सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं। और इसमें डाला नमक और धनिया पत्ती, बस। बाकी मुझे इसमें कुछ भी नहीं डालना है, ना सोडा डालना है, ना इनो डालना है, कुछ भी नहीं डालना है। तवे पे लगाया थोड़ा सा ऑयल, इसको फैला देती हूँ, थोड़ा सा ऑयल ऊपर से डाल देती हूँ। एक मिनट के लिए ढक दिया है। बहुत ही, देख लीजिए, बहुत आसानी से बन जाता है ये, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देख लीजिए, झटपट बनता है, और इसका टेस्ट ही कुछ अलग रहता है, क्योंकि उड़द की दाल से रहती है, तो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। ये देख लीजिए, आप छोटा साइज बड़ा साइज कैसे भी बना सकते हैं, मैं तो मीडियम साइज बना रही हूँ। ये देख लीजिए, एक मिनट के लिए ढका, क्योंकि मुझे टिफिन में करके देना है, इसलिए मैं ढक के फटाफट बना रही हूँ। थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देती हूँ, इससे क्रिस्पी हो जाएगा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। देख लीजिए दोनों साइड कितने अच्छे से पक जा रहा है। इसी तरीके से मैं सारे चिल्ले बना लूंगी। देखिए कैसे पलट जा रहा है, थोड़ा भी इसमें ये नहीं होता, बहुत अच्छे से ये आप उलट पलट सकते हो। उड़द की दाल का रहता है ना, तो बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो जाता है। सारे चिल्ले देख लीजिए, मैंने इसी तरह से बना लिए हैं। ये देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, खाने में तो पूछो ही मत। अब इसको चटनी के साथ मैंने सर्व किया है, आप भी बनाएं, खाएं और एंजॉय करें। बाय बाय।